हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज है संडे 7 अप्रैल। तो चलिए चेस का एक और मैच शुरू करते हैं। और ये रहा मैच, स्टार्ट हो गया। ये कोई रनक है, इनका स्कोर वैसे काफ़ी अच्छा है, मेरे से तो अच्छा ही है, काफ़ी अच्छा तो नहीं बट मेरे से अच्छा ही है। चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में ही ये बिशप्स वगैरह को, पॉन वगैरह का तो कैप्चर हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये काफ़ी अच्छा मूव है जो मैं काफ़ी अभी आजकल सीख रहा हूँ, बट अभी इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है, इस पर मास्टर करना है, कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ आजकल मैं भी। और आशा करता हूँ कि आप भी मेरे वीडियोज़ को देख के कुछ ना कुछ नया सीखते होंगे। और अगर आप कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे पता चलेगा कौन कौन मेरे वीडियोस देखता है। चेस के साथ साथ मैं कभी कभी एजुकेशनल वीडियोस भी बनाता हूँ। वीक के बाकी के दिन एजुकेशनल वीडियोस के लिए होता है और जो संडे होता है वो चेस मैच का होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट चेस मैच कब आने वाला है तो संडे को ही आएगा। नॉर्मली मैं एक ही वीडियो अपलोड करता हूँ। आज देखते हैं टाइम कैसे बनता है, टाइम जैसा होगा वैसा करेंगे। वैसे आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शंस भी हैं तो इधर बीच में काफ़ी इस वजह से थोड़ा बिजी भी थे। एनुअल फंक्शन भी था, इससे पहले एनुअल एग्ज़ाम्स भी थे, कुछ बच्चों के तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी थे, तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी वीडियोज़ वगैरह बनाना, क्योंकि आंसर शीट चेक करना, फिर उनके मार्क्स शीट वगैरह, रिजल्ट वगैरह बनाना काफ़ी लेंदी काम होता है। बट आई होप आप सब खुश होंगे, मज़े ले रहे होंगे संडे के। मामला तो गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा, रनक जी तो बढ़िया खेल रहे हैं, पता नहीं ये नाम है क्या है, R4N4K। तो चलिए, इससे मैच तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम। भाई मेरे बिशप पे अटैक क्यों कर रहा है यार, चेस के मैच की एक बुरी बात ये होती है कि चेस की मैच में ना बहुत साइलेंटली खेला जाता है, तो जो लोग चेस सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्शन या कॉमेडी नहीं होती है इसमें। और जितने भी चेस प्लेयर्स हैं वो काफ़ी साइलेंट होते हैं, तो कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर आप चेस का मैच तो करते हो बट बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा। तो बोरिंग नहीं है, चेस के रूल्स ही ऐसे होते हैं कि भाई साइलेंटली खेलना होता है, और आदत भी है वैसे थोड़ा चुप रहने की। फिर भी चलिए, हम कोशिश करेंगे कि आप बोर ना हो। इसी के साथ साथ धुनक धुन तुम तुरुक तुम तुम तुरुक तुम तुम तुरुक तुम तुम। अब देखिए क्या होता है, क्या होता है। वैसे तो मैच अभी नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, कल दो मैचेस खेले दोनों हार गया, अपलोड तो नहीं किया बट हार गया था, इट्स ट्रू। और ऐसा नहीं है कि कोई भी हमेशा जीतता रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मेरे ये 434 इतने बुरे स्कोर्स इसी वजह से हैं, जस्ट बिकॉज मैं भी हारता रहता हूँ कोई भी। संडे को किस्मत अच्छी रहती है मेरी, ज़्यादातर मैचेस जीत जाता हूँ। और खाली समय मिलता है तो थोड़ी बहुत थ्योरी भी देखता हूँ ताकि कुछ बेटर करने का मौका मिल जाए। इसी के साथ तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म।
तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, तेरे नाम से शुरू। भाई मेरे किंग पे अटैक, ओ माय गॉड, चेक पे चेक दिए जा रहा है यार। रुक जा भाई, इतने भी क्या है लड़ाई, डोंट डू दिस यार, थोड़ा माफ कर दे मेरे भाई। चलो थोड़ा बहुत पौन इनका भी खा जाते हैं। तेरे ना मेरे मैच में मैंने एक चीज़ देखी, मैं टाइम ज़्यादा लेता हूँ, तो इसका एक प्रॉब्लम ये भी रहता है कि एंड में ना काफ़ी प्रेशर में खेलना पड़ता है। तो अगर आप भी चेस खेलते हैं ना, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि चेस मैचेस में ना टाइम का ध्यान नहीं रखेंगे तो लास्ट में क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी जल्दी मूव्स चलने पड़ेंगे, सोचने का समय बहुत कम मिलेगा, तो ये एक दिक्कत रहेगी आपके साथ। तो अगर आप शुरू से ही उस टाइम को मैनेज कर पाए ना, स्टार्टिंग में जब भी आपको टाइम मिलता है ना, अपोनेंट जब सोच रहा होता है या टाइम ले रहा होता है, तब आप अपने लिए बेटर प्लान करके रखिए, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। वैसे अगर आपका स्कोर मुझसे ज़्यादा है, आपको लगता है कि आप बेटर खेलते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मज़ा आएगा। अरे यार चेक पे चेक दिए जा रहा है यार, क्या ही करूं। मैच तो लग रहा है हार गए यार। तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। ये गया इसका भी सब, सॉरी रुक 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 रुक, अरे पापा रुक, ओह माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, दिल मेरा धर के तेरे लिए हाय रॉन्ग। तो भाई लोग ये मैच तो मैं हार गया, बट आशा करता हूँ कि आप ऐसे पजल्स को सोल्व कर पाएंगे, और मेरी जगह आप होते तो कैसे खेलते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइंड आउट माई मिस्टेक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।